सरहद पार जिस बर्बर करतूत पर पाकिस्तान की फौज और सरकार पर्दा डालती रही, उसकी हकीकत कुछ और ही निकली। खुफिया रिपोर्ट से साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यह साफ हो गया कि दूध और पानी की तरह मिलकर आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी ने इस हमले को अंजाम दिया। जाबाज सैनिकों की शहादत के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता का सलूक करने वाली पाकिस्तानी आर्मी तो महज मोहरे की तरह हुक्म की तामील कर रही थी। साजिश की शतरंज पर चाल किसी और ने चली। सूत्रों की माने तो एलओसी पर इंसानियत के बॉर्डर को क्रॉस कर जिस तरह से सरहद के सिपाहियों का सिर कलम कर दिया गया, उस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंक का आका और लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। वही हाफिज सईद जिसने 2008 में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की स्क्रिप्ट तैयार की। वही हाफिज सईद जो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड नंबर 1 है। शहीदों की शान में गुस्ताखी के मामले में आतंक के सबसे बड़े आका के शामिल होने का फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की बर्बर करतूत से सिर्फ कुछ दिन पहले हाफिज सईद का एलओसी के करीब के इलाकों में आना और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात करना साजिश और शक की पुष्टि करने के लिए कम भी नहीं। इट हैज बीन आवर इंफॉर्मेशन यू सी जस्ट 4-5 डेज बैक दैट इन पीओके एरिया हाफिज सईद हैड एंटर्ड एंड ही हैड टॉक विद सम पीपल। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने हाफिज सईद के साथ मिलकर भारतीय जवानों पर हमले की योजना बनाई। ये हमला 30 और 31 दिसंबर 2012 को ही होना था जब हाफिज सईद पीओके में मौजूद था। हाजिरा, मुजफ्फराबाद, बाग और मदनपुर में जहरीला भाषण देकर नौजवानों को जिहाद के लिए उकसाया। आतंक के इस आका ने हिंदुस्तानी सैनिकों का सिर कलम करने वालों के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान किया। पुंछ इलाके में साजिश को अंजाम देने के लिए बॉर्डर एक्शन टीम की मदद आतंकी और गाइड इस्माइल लंगड़ा ने की। इस्माइल लंगड़ा पुंछ इलाके का ही है और 2002 में पीओके चला गया था। इस्माइल लंगड़ा ने इलाके की रेकी की थी। रेकी के बाद पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ऑपरेशन की प्लानिंग की और 29 बलूच रेजिमेंट के ट्रेंड कमांडोज ने इसे अंजाम दिया। भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ प्लानिंग के बाद हाफिज सईद अपने गांव मंडोर भी गया जो हमले वाली जगह मेंढर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, ये जो सामने हमारी पहाड़ी है ये नियंत्रण रेखा है और नियंत्रण रेखा के इस पार अगर मेंढर शहर है तो इसके उस पार जो पाकिस्तान का इलाका आता है वो मंडोर आता है। तो कहीं ना कहीं जो अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि एक हफ्ते पहले बिल्कुल इस पहाड़ी के उस तरफ जो मंडोरा गांव है वहां पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद आए थे। दरअसल लश्कर की जितनी भी संगठन की कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही होती है और मंडोरा एक ऐसा गांव है जहां पर उनका बेस है। पाकिस्तानी फौजों की करतूत जब सामने आई तो भारतीय सेना के खुफिया विंग ने एलओसी के करीब फोन रिकॉर्ड किया। सूत्रों की माने तो फोन पर बलूच रेजिमेंट के कमांडोज को बधाइयां मिलती रहीं। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि हाफिज सईद पीओके में मौजूद है और लोगों को भड़का रहा है। बातचीत भी इंटरसेप्ट की गई थी। बावजूद इसके ये सब कैसे हुआ? हर बार पाकिस्तान चाल चलता है और हम चूक जाते हैं। भारत ही हमेशा धोखा क्यों खाता है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता चाहती है। ये पहला मौका नहीं है जब लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को जख्म दिया हो। हर बार हाफिज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान सबूत देता रहा लेकिन सेना की सरपरस्ती की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेरह साल पहले करगिल युद्ध से पहले घुसपैठ का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अब सीज फायर की आड़ में धोखे से वार कर भारतीय सेना के 2 सैनिकों से बर्बर सलूक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। पाकिस्तानी सेना की हर नापाक कार्रवाई में हाफिज सईद का साथ होना महज संयोग नहीं है। आगे आतंकी, पीछे पाकिस्तानी आर्मी का खेल कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान ने जब भी हिंदुस्तान के संयम का इम्तिहान लिया,
हर बार बिना वर्दी वाले आतंक की आर्मी की आड़ ली। खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद इस बात को लेकर शक की लकीर को और गहरा कर दिया कि मेंढर में जो कुछ भी हुआ उस साजिश का असली सूत्रधार लश्कर का आका ही था। सुरक्षा मामलों की जानकारों की माने तो सरहद पर जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की किसी घिनौनी साजिश का छोटा मंजर है। यानी ज्यादा इंटरफेयर उसने नहीं किया इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में, इन सिविल पॉलिटिक्स। आपने देखा है मुशर्रफ के बाद सब कुछ ढीला हो गया तो कियानी भी निकल गया। कियानी अब रिटायर होने वाला है। अगर वो रिटायर होने वाला है तो उसने इतनी आसानी से रिटायर नहीं होना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा और ये शुरुआत है जो कि उन्होंने की है। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से काम कर रहे हैं और क्योंकि पाकिस्तान अपना हाथ भारत में डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी नहीं दिखानी चाहती है तो वो ये इरेगुलर और घोस्ट फोर्सेस को इस्तेमाल कर रही है भारत के खिलाफ। मुंबई हमले की तफ्तीश में जो सबूत मिले उससे साफ हो गया कि लश्कर के आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है पाकिस्तानी फौज। लश्कर के एक पूर्व ऑपरेटर ने एक विदेशी किताब स्टॉर्मिंग द वर्ल्ड स्टेज के लिए इंटरव्यू देते हुए कबूल किया था कि लश्कर के किसी भी आतंकी हमले की प्लानिंग में पाकिस्तानी आर्मी और ISI हमेशा साथ रही। करगिल के दौरान जब पाकिस्तानी सरकार युद्ध विराम के लिए राजी हुई तो लश्कर ने दावा किया कि आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ में मदद ली। लश्कर ने पाकिस्तानी फौज के हथियार डालने का विरोध किया। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक मजहब की आड़ में कश्मीर की आबो हवा बिगाड़ने के लिए आतंक के सौदागरों को पाकिस्तान ने इतनी छूट दे रखी है कि वो अब किसी सरकारी इजाजत के तलबगार नहीं। विशेषज्ञों की माने तो आतंकियों की बुलंद सत्ता भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के गुट, चाहे वो लश्कर हो या जैश, वो एक प्रकार से इनको पाला है पाकिस्तान के ISI और फौज ने। अभी इनको इतना समर्थन मिल रहा है खास धर्म के आधारित कि वो शायद अपने आप को फौज और पाकिस्तान के हुकूमत के दायरे के बाहर भी जाने की उनके अंदर विश्वास आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस कदर बेकाबू मुल्क में तब्दील हो चुका है जहां हाफिज सईद जैसे आतंकियों के इशारे पर सेना काम करती है। दुनिया की नजर में आतंक का सबसे बड़ा आका पाकिस्तानी नेताओं की नजर में मोहम्मद हाफिज सईद साहब क्यों बना है? क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद का दबदबा किसी भी सियासतदान से बड़ा है जिसके आगे सरकार की भी कोई हैसियत नहीं?